अब्बा सुना था तुम लोग यार रोज रोज चाय पापे खाते रहते हैं, तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी ना। कोई जरूरत नहीं है घंटे करने की, मैं दुबले की हूँ समझे, मोटा होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। वैसे भी तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो गया, तो ऐसा करो एक वनस्पति घी का पीपा मुझे पिला दो ताकि वो फूट के तुम्हारी माँ की तरह कुप्पा हो जाऊँ, चल सकू ना, उठ सकू ना, बैठ सकू ना, कोई काम कर सको। चल अभी सुबह सुबह मगज मारे लेकर नाश्ता कर, नाश्ता कर नाश्ता नहीं गया जिंदा हूँ तो बोलूंगा, तेरा बस चले ना तो तू मेरी जबान काट दे। कौन जिंदा बचा है दोनों में से, और जो मर गया उसका कफन दफन कौन से टाइम से जाने का है? सुबह से मेरे को आवाज तो आई नहीं थी। इसका मतलब है दोनों मर गए, तो फिर ऐसा करो करके जरा मालूम करते हैं। छोड़ो उनके आपत्ति झगड़े, अपन काय को करे, दिमाग खराब है हम लोग, मालिक मकान में अगर खुदा ना खाता दोनों मर गए उनकी लाश फूल जाएगी तो पुलिस आ जाएगी, हमारा पर्चा काटेगी, हम लोग खानों का खराब खाता शुरू हो जाएगा, उन लोग का बात करके तू जाके मालूम तो करना, तू मेरे साथ चलेगी समझी। अच्छा बात आज तारीख क्या है? अभी दो दिन पहले बेचारे ने तेरे को एक बार फिर किराया दिया, अभी फिर तू तारीख पूछ। किसने बात लगाई थी इसकी फैमिली ने? जाहिल औरत जो मैं बात करता हूँ उसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश किया कर, जो उसका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरे को तेरे दिल का क्या पता कि तेरी कौन सी बात के पीछे क्या बात है। एक काम करते तुम ऐसा करते हैं, तू भी मेरे साथ ऊपर चल, तू उसकी घरवाली से चल के पूछ, मैं उसके घरवाले से पूछता हूँ, ठीक है? और जो मैं बात कर रहा था ना क्या तारीख क्या है, तो ये इसके लिए किराएदार के लिए नहीं, ये अपना नौकर है ना बच्ची, ये 5 दिन की छुट्टी लेके गया था, आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, उसकी मनुष्य शकल नजर नहीं आई। महीने तक तनख्वाह तो तुम उसको देते हो? तो देता हूँ तनख्वाह, 6 महीने के बाद देता तो हूँ, इधर बहुत सारे सरकारी नेत में दो दो साल तनख्वाह नहीं मिलती है, मैं तो 6 महीने बाद तनख्वाह दे देता हूँ, और वो इतना शरीफ नहीं है समझी, शकल से भोला लगता है, मैंने 5 रुपए की खूब प्याज में चीटिंग करते हुए उसको पकड़ा है, इसको आने के लिए इसकी जिंदगी अजा कर दूंगा। कौन है ये बेटा? कैसे हो? आरिफ तो तेरे को करना पड़ेगी, इसलिए रात जो तेरी बीवी के साथ जो तेरा धमा चौकड़ी फड्डेबाजी जो पूरा नेटवर्क के ऊपर चल रहा था ने, समझे समझे देखा और सुना है, तो इसमें या तो हज किया जा सकता है, या अयादत की जा सकती है, या फिर ताइयत की जा सकती है, तो हज तो करना पड़ेगा ना। क्या बताऊँ कब उठे? शादी को 4 साल हो गए मगर एक दिन भी सुकून और चैन का नहीं गुजरा। 4 साल झोपड़े की शादी को हो गए और एक दिन भी सुकून और चैन का नहीं गुजरा, इसकी मेरी स्टोरी जितनी मिलती जुलती है। अरे बात करने देना। हाँ अच्छा फिर एक बात बता, ये जो तेरी शादी हुई थी क्या लव मैरिज है? कहाँ लव मैरिज है, बस मैरिज ही मैरिज था, वो भी नाम का। क्या कह रहे हो बेटा? अब ये बता फट जाएगा कि कौन सा लव? रात को जो झगड़ा हुआ था ना उसमें इसकी बीवी ने कोई चीज वजी उठा के घर पर मार दिया, अंदरूनी जो है इसकी यादा चली गई, बीवी का नाम भूल गया, फिर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उसने मेरे छत की तरफ अपना मेकअप बॉक्स उठा कर मारा, वो तो अंकल मैंने खुद अपना सर बचा लिया, वरना इस वक्त मेरा यहाँ भेजा पड़ा होता। अंकल भेजा? एक बात सुन, ये मेकअप बॉक्स के अंदर क्या डीजल का इंजन था? पूरी बात तो सुन लिया करो ना, बताओ बेटा फिर क्या हुआ? अभी सर जाने के लिए कौन तेरी घर वाली? और कौन? हाँ वो तो आंटी सुबह सवेरे वाली ट्रेन से अपने मैके चली गई। बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, सवेरे वाली ट्रेन से मैके चली गई क्या हो? बस मजदूर अंकल मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि वो चाहती क्या है। सब बातों को छोड़ तू एक बार बता, तेरे को चाहती है कि नहीं? उसका तो पता नहीं, लेकिन इतना अच्छा मकान, इतना खूबसूरत मकान। थैंक यू। वो पता क्या कहती है, जैसी मकान देखने आई कहती ये भी कोई मकान है, इससे तो बेहतर पुल के नीचे डुबकी डाल लो। डुबकी तो डाल लेता तू। मैंने कहा उठाना
रोजाना इतना मुश्किल से ये घर मिला है। अगर तुम्हें घर नहीं पसंद तो चलो एक हफ्ता रह लो, बाद में अपने पसंद का कोई घर ले रहे ना। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ था अंकल, इसी बात पे मुझसे लड़ना शुरू कर दिया कि तुम्हें मकान देखने की तमीज नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसका गुस्सा है कि कयामत। हाँ बेटा हाँ, मैं और सुलेखा के अब्बा पूरी रात उस औरत की आवाज सुन सुन के एक दूसरे को बोल रहे थे ये औरत है कोई जिन या चुड़ैल लगती है। मेरे को मुझे भी ऐसा ही लगता है आंटी बिल्कुल। अच्छा तो इसका मतलब ये की तेरी जिंदगी चली गई। तो मैं तो बर्बाद हो गया, ये तो कुछ समझ नहीं आता, आप बताने क्या करूँ। लेने की जरूरत नहीं है, अभी क्या है कि एक काम करते हैं, एक दो दिन के बाद मैं तेरे को लेकर चलूंगा। कहाँ जा रहे हैं? मेरे बाप के घर। अरे तेरे ससुराल में तेरे को लेकर चलूंगा। नहीं चल के जाकर उसकी बात करते हैं, उसकी छोकरी से बात कर कि अपने बेटे का दिमाग को बोलो ठंडा रखे, बर्फ का पानी डालो। नहीं 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 उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा क्या बात ही ऐसी? नहीं नहीं उसकी हमेशा ऐसी करती है, दो चार दिन की बात है, मैक्सिमम 10-15 days वो खुद ही आ जाएगी, आप देखिएगा। मैं तो कहता हूँ उसको खुद आना होगा, उसके बाप को भी यहाँ रहना होगा। नहीं 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 बाप रहेगा तो बिल्कुल अलग पड़ेंगे। अच्छा जी मुझे इजाजत है। दूसरी भाजी मुझे ऑफिस जाना है, आप मिसाइल चाहे तो मुझे लगा सकते हैं। अभी मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, मेरी बीवी गुजर गई। एक बात सुन ले, अगर तेरी बीवी इधर नहीं आई है, फैमिली नहीं आई तो इधर बहुत चिंता में जाएंगे, नहीं बहुत गड़बड़ फैलेंगे। बोलो आप मंजूर अंकल, बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, पिछले 50 साल के पाकिस्तान की सारी सियासत में ये बोलते हैं कट ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता। बिल्कुल आप नहीं है और तेरी फैमिली भी ठीक हो जाने चाहिए। चल अभी तो क्या लगते हो, पागल हो गई है, चलती नहीं है। बता दूंगा बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है। बड़े नेक आदमी थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या हो गए तुम देखिए, अब्बा ऊपर वाले घर में गए, वहाँ नए किराएदार आ गए ना। अच्छा किराएदार भी आ गए? मौका देंगे तो बोलूंगा ना मैं तेरे को। मैंने तेरा नरघरा पकड़ा है, तू मर जाएगा। मशीन को छोड़ दू, मशीन तेरा मामला क्या चल गया? तो क्या हो गया, चला गया ना तो? पर 6 महीने की तनख्वाह भी तो ली थी मुझे, तो मेरी खराब होता कि मैं वापस आ गया। क्या 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 6 महीने की तनख्वाह नहीं थी? और ये जो मेरे बीवी बच्चे जो तेरे साथ मिल के काम करते हैं, इसकी तनख्वाह कौन देगा मेरे को? घर का काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता? बोल, घर का काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता? तेरी दफा इतने सालों में तेरी बात मेरे को अच्छी लगी है मेरा बच्चा, कि घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता। आज से तू नौकर नहीं, तू घर का एक फर्ज है, फर्ज। और फर्ज जो है तनख्वाह नहीं देती, तेरी 6 महीने की तनख्वाह जो मेरे ऊपर थी वो माफ नहीं। ये सुन ले, बोल बोल कुछ नहीं है, बोल नहीं है। तू एक काम कर, तू 4-6 महीने की फिर छुट्टी कर, यहाँ से जा, फिर तेरी तनख्वाह जमा होगी, फिर मैं तेरे को दूंगा। मैंने सिर्फ 15 दिन ज्यादा छुट्टी की है। हाँ तो मेरी डायरी जो है उसके अंदर 15 दिन दिए, 6 महीने के बराबर होते। और शुक्र कर तू कि तेरे जाने के बाद मैंने कोई और मुलाजमी नहीं रखा। तो रखिए आराम से बात, तो मालिक से बात कर, आराम से बात कर। तो नकली तेरे रखा तू नहीं, उसको भी तो पता चलता कि नौकरी में कैसे बाबू शक्कत में क्या पड़ रहा है, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं उठता यार वो। चल इतिहास तो सुनने देते थे बहुत, मेरे साथ डायलॉग बाजी कर रहा है तू, ज्यादा कहने की कमी को कोई काम नहीं होगा, 6 महीने की तनख्वाह दे दो पहले। मुसलमान हूँ तेरे से वादा कर रहा हूँ कि मैं तेरे को क्यामत से 2 दिन पहले जो है तेरी तनख्वाह दे दूंगा। तो उसकी तो निशानी भी तो हो। हाँ है ना निशानी, ये निशानी है ना देख,
मालिक पुरानी चप्पल दे रहे हैं, मुलाजिम जी अगर नई चप्पल पहने भाई जरा लौटा नहीं कभी खरीदी आगे जल्दी बेटा क्यों थोड़ा माननी चाहिए मालिक पुरानी चप्पल पहन रहा है ये नौकर जो है ना वो नए नए चप्पल पहन रहे चल जाए आके जाके कपड़े दो तुम झूठ पर झूठ के पहाड़ बनाए जा रहे हो आखिर तुम्हारी आदत का क्या होगा अरे आपको तो खैर बाद में देखनी चाहिए फिलहाल इस मालिक मकान को गोलियां देने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है कब तक चलेंगे गोलियां जब तक अमन अमान के हालात ही पैदा हो जाए अमन अमान के हालात पैदा नहीं हो जाते कायम किए जाते अब अगर तुम्हारी वो सटवाना मैं कभी घर वापस नहीं आती तो तुम क्या करोगे हाँ मैं उसे फर्जी और खारी तलाक दे दूंगी पहली शादी और पहली तलाक से बेहतर है मेरी जान ख्यालात से बाहर आकर हकीकत में शादी कर लो क्या आपने मैरिज ब्यूरो पर भी काम करना शुरू कर दिया बको मत मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ अगर इस मकान से निकाल दिया गया तो फिर किसी ढंग के मकान के लिए मारे मारे फिरोगे शुक्र है किसी ने बैल का सवाल भी किया मुझे नीचे बुलवा दिया होता एक्चुअली वो बशीर को अपन ने कहीं बाहर भेजा हुआ काम से और वो काफी है ना मेरा छोटा भाई वो नानों के घर गया ये बशीर कौन है वो हमारा पुराना मुलाजिम है छुट्टियों पर गया हुआ अच्छा थैंक यू मैं यानी नीचे के साथ बोलूँ कुछ नहीं मजे आ रहे हैं ना अगर उसे तुम्हारे आने का पता होता तो तुम्हारे लिए भी एक प्यारी चाय ले आती लगता है चाय को तुरंत लाते भी रहेंगी और सारी उम्र भी पीना चाहो तो पी सकते हो क्या मतलब मतलब तो आप साफ समझते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं खुलकर समझाऊं तो समझें इलाका भी तुम्हारे लिए कोई बुरी नहीं है बुरा तो कोई भी नहीं है हमारे सिवा लेकिन ये शादीशुदा होने का जो ड्रामा रचा दिया है ना तुम चाहो तो उसे अलहदी में समझा सकते हो और उसकी मर्जी मालूम कर सकते हो लगता है आप आज पिटवा कर ही निकलवाएंगे अगर उसने अपने बाप को जाके बता दिया ना तो तबीयत आज ही साफ हो जाएगी आपकी मर्जी है मैं तो आपकी झूठ को सच करने का मशवरा ले रहा था कम अज कम इससे आपके गुनाह तो माफ हो जाते खैर देखी जाएगी लेकिन साड़ियों से पता जा सकता है फिर भैया बाप अचानक तो जिम क्यों तेरे को ढूंढ आ रहा है क्या 6 महीने की तनख्वाह का बदला ले रहे हैं भाई फेंकते हुए मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके बाल जो है ना खराब हो गए अब इसको उतरवा के आप फिर बदलवा लें अच्छा मेरे बाल खराब हो गए मैं इसको बदलवा दूँ तेरा मुंह भी तो खराब हो गया इसको बदलवा दूँ घंटे बज रही है कौन है जाके जाए दरवाजे पे चले आते हैं थोड़ी देर मालिश कर रहा था तुम्हारे के लिए जमाल साहब को पूछा कुछ हाँ पूछा अरे जरा मालिक वालेकुम सलाम और हमें जमान से मिलना है हाँ मेरे उन्हें उसका लैंडलॉर्ड वो मेरा किराएदार जिस प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं अच्छा मेरा नाम हसमतुल्लाह है और ये मेरी अहलिया है अच्छा अच्छा देखो बैठो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ख्याल है आप लोग जमाल के माँ बाप हो जी वो हम जमाल को देखने हैं हाँ जाए पूरे नगर को देखने के लिए माँ बाप आते हैं नहीं वो हमारा बेटा नहीं है अच्छा फिर मेरा कहना भांजे भतीजे हो गए जी वो बात दरअसल ये है कि हमें उसके माँ बाप ने यहाँ उससे मिलने के लिए भेजा है उसके माँ बाप ने भेजा है देखने को काय को दरअसल आप हमारी बात ना समझ ही नहीं पा रहे अगर मैं आपकी बात समझ लेता तो ये खाम खाए की डायलॉग बाजी की काय को जरूरत थी अभी मैंने आपसे पूछा कि आप छोकरे के माँ बाप को आपने बोला नहीं भांजे भतीजे नहीं चाहते चाहती नहीं ताया ताई नहीं और फिर ऊपर से आप बोल रहे हो कि उसके माँ बाप ने देखने के लिए भेजा तो कंफ्यूजन तो ये है तो बंधु सब बात दरअसल ये है कि जमाल से हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है हमने उसे देखा नहीं है हमारे पास सिर्फ उसकी तस्वीर है उसके माँ बाप ने कहा कि वो कराची में मुलाकात करता है और आपके यहाँ किराएदार है हम कराची आए थे जाते वक्त हमने सोचा कि जमाल से मिलती थे लंबा लापड़ा आप लोग एक हो गए आप लोग ये थोड़े ठोकरे हैं चप्पल में लगता है शादी कर ली ये आप कैसी बात कर रहे हैं अरे मैं आपसे गलत थोड़ी बोल रहा हूँ ठोकरा शादी शुदा है आप यकीन कर लो ठोकरा शादी शुदा है सवाल ही नहीं पैदा होता अरे सवाल को पैदा होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो शादी शुदा है तो शादी शुदा है
आजकल जो छोकरे हैं ना माँ बाप की बगैर नीचा देख के शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को पसंद करके माँ बाप को दावत भी दे देते हैं। सब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप यकीन करो नहीं करो, कैसी बात करो, यकीन नहीं आ रहा है। मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो बगैर फैमिली वाले को अपने घर के पास से गुजरने नहीं देता हूँ। देखेंगे तस्वीर। अरे वो तो छोकरे की, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये शादी शुदा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी मिलवा देता हूँ। अब मिलवा सकते हैं। चलो बेगम सर, आप संगम को आर्थिक में पढ़े लिखे को शादी क्या, मैं बोल रहा हूँ शादी शुदा है मेरे साथ। आप लोग मेरी बात मानते हो? आप मैं आपको बताता हूँ। मंजू साहब नीचे रहते हैं। हमें मालूम है मंजू साहब नीचे रहते हैं, लेकिन जमाल साहब तो ऊपर रहते हैं ना। जी समझिए, हम तुम्हें देखने आए थे। अच्छा, मैं जैसे कि ठीक हूँ तो देखिए जी। वैसे हम तस्वीर में तुम्हें देख चुके हैं। कौन सी तस्वीर में? वही तस्वीर जो तुम्हारे वालदेन ने हमें इस यकीन के साथ दी थी कि आप लोग कराची जा रहे हैं, तो अपने होने वाले सामान को भी देख लीजिए। देखिए आपको फैली हुई है, तुम्हारे मालिक मकान तो ये कहने कि तुम हमारे होने वाले दामाद ही नहीं हो, बल्कि किसी और के दामाद बन चुके हो। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कतई नहीं। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अच्छा हो जाता है, मेरा मतलब है आपको गलत फैली हुई है, मुझ पर शादी का हादसा अभी तक नहीं हुआ है। इतनी यकीन और चाहत से तुम्हारे वालदेन ने तुम्हें यहाँ मुलाजमत के लिए भेजा और हमें पूरे यकीन से भेजा था कि जाओ कराची जाकर हमारा बेटा है उसे देख के आओ। इतना लायक और समझदार बच्चा। लेकिन अफसोस, हमने अपने वालदेन के अरमानों पर पानी फेर दिया। यहाँ शादी कर ली और वहाँ उनको खबर तक नहीं। इसलिए आपको गलत फहमी हुई है, मैंने अभी तक कोई शादी वाली नहीं की। रहने दो मियाँ, क्या तुम समझते हो कि हमारी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में? देखिए प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, मैंने कोई शादी वादी नहीं की। सिर्फ लोगों को चक्कर दे के दूसरी शादी का चक्कर चला रहा है, दरवाजे के पीछे सुनते सुनते मेरे को भी चक्कर आ गए थे। बोलता काय को नहीं है, बोलना कोई शादी किया कोई लफड़ा थोड़ी किया है जो इस तरह की बात कर रहा है। बोल बोल से बोल, समझे बोल। देखिए जी हम तो जा रहे हैं, अब जो पूछना है ना वो इसके वाले इससे खुद पूछेंगे। हम तो इसके वाले से ये पूछेंगे कि भाई तुम्हारे बेटे ने जब शादी करी ली थी तो हमें उसे देखने के लिए क्यों भेजा उसने? देखिए मैं बहन आपको एक बात बताता हूँ, इस पूछा पूछी का कोई फायदा नहीं है। आप जाके इसके बाप से पूछोगे, इसका बाप इससे पूछेगा, ये मेरे से पूछेगा, मैं अपनी दीदी से पूछूंगा। मैं तो बोलता हूँ मार्केट में जो भी दिख गई है कभी कभी दिखी हुई चीज को भी देख के खुशी होती है इंसान। चलो चलो प्लीज प्लीज, देखिए आप जहर चाहिए और तुम चाय कॉफी वगैरह। ऐसा करो चाय की जगह प्याली में जहर घोल के दे दो हमें तुम। जहर कैसी बात करो, ये तो अंदर हो जाएगा, जहर के चक्कर में मेरे अंदर किराया कौन देगा? बंधु साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात का भाई बस यही जो आपने हमें रोशनी दिखाई। आपको भी मुबारक हो कि आपकी बेटी जो है वो कुएं में किसी किसी बाल बाल बची नहीं बचाया है। देखिए प्लीज मेरे मम्मी डैडी से पूछना चाहिएगा। मेरा छोकरा होता ना तो तुझे जान से मार देता, मम्मी डैडी को कुछ नहीं चाहिएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा बेटा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो तेरे को एक बात ये पूछता हूँ कि ये बता ये खुफिया शादी जो है तू अपने घर वालों से कब तक छुपाएगा? मंजूर कर आप ही हद करते हैं, उनको सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? उनको ये बताने की क्या जरूरत थी? ताकि तू उनको तकमा चक्कर देकर तू दूसरी शादी करता है, एक शहर से अंदर दो फैमिली ला के रखता है। पूरा मंजूर को क्या चलिया समझा हुआ है? उनकी शादी की बात सही है मंजूर अंकल, इतनी दूर से मैं देखने आए थे, चारों का दिल टूट गया। खड़ी पार्टी थे ना, खड़ी पार्टी थे, खड़ी पार्टी का खाली दिल टूट सकता है समझा? और होता ना उनकी जगह पे तो तेरे हाथ से तोड़ के डाल देता। तू एक बात मेरे को बता, तेरी फैमिली कहाँ आई? फैमिली में हुए हैं, उसको मार के गए हुए आ जाएगी। एक बात बता, तेरा खड्डा कितनी दफा हो चुका है? बार बार बल्कि कई बार हो चुका है। अच्छा और तेरी खाना बर्बादी हो कितने साल हुए? खाना बर्बादी अभी ना खुफिया है मेरे नजदीक, खाना बर्बादी है समझा? कितने साल हुए उसको? एक भी पाँच छः साल हुए। सट्टा खेल रहे थे तू, सट्टा सच्चे का नंबर बता रहा है मेरे को? पाँच छः बोल रहे, एक बोल या पाँच बोल या छः बोल? छः छः साल तकरीबन। इसका मतलब है फिक्स जी। ये तो एक बात है, एक बात है किसे आप फ्री ने के ऊपर आप फ्री ने की शादी खाना बर्बादी को छः साल हो गए और छः साल के लिए खाना बर्बादी का ड्रामा जो है कामयाबी से नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है।
मैं तो बोलता हूँ कि नुमाइश का तेरे को पता चल जाएगा, तेरे घर वालों को मालूम होगा तेरी शादी का। ठीक है तुम्हारी से बता दे रहा हूँ। ये तो क्या हो रहा हूँ हवाई जहाज उड़ाऊ में, हवाई जहाज उड़ाऊ में। मैं तेरे को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये फाइनल वार्निंग है। साफ से तू अपनी बीवी के साथ जो ना कंफ्यूजन क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज का अपनी बीवी से होगा फिर निकलेगा। बिल्कुल मेरे को अकेला छोकरा जो ना डर लगता है।